अभिजीत, ये क्या किया तुमने? एसीपी को मार डाला? हाँ, मार डाला। खेल खत्म। इसीलिए तो बुलाया था मैंने इसे यहाँ पे। अभिजीत, ए, रुक। अभिजीत, एसीपी साहब को मार दिया तुमने? अरे ये तुमसे कितना प्यार करते थे, और तुमने इन्हीं को मार दिया? कोई प्यार व्यार नहीं करते थे। मेरे पे शक? इतने साल की वफादारी का ये सिला दिया इन्होंने? हैं? अभिजीत, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। कोई मदद वदद नहीं, सब चाल थी इनकी। मुझे सीआईडी से निकालने की। मैं तो बाहर हुआ ही हुआ, इनको भी निकाल दिया मैंने। अभिजीत, तुम एक धोखेबाजी नहीं, एक अपराधी भी हो, एक खूनी। तुम्हें सजा मिलेगी। जिंदा रहेगा तो सजा देगा ना? जा, तेरा भी आखिरी टाइम आ गया। अच्छा? हाँ। चलो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? सर, क्या हुआ? मैंने अभी गोली चलने की आवाज सुनी। क्या हुआ? एसीपी साहब, सर क्या हुआ आपको? सर ठीक तो है ना? सर बोलिए सर, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था। मगर सर, अभिजीत ने आपने गोली चलाई थी। थैंक गॉड आप ठीक है सर। मगर ये सब अभिजीत ने मेरे ऊपर रबर की गोली चलाई। रबर की गोली, ये देखो। रबर की गोली? हाँ दे। अच्छा हुआ सर, उसने मेरी गन छीन ली, नहीं तो मेरे हाथ से उसकी मौत हो जाती। नहीं दे, अभिजीत ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। मतलब वो अपराधियों के साथ रह के भी हमारा ही काम कर रहा था? बिल्कुल दे। सर, विवेक पर किसने हमला किया था? हमला किया है विवेक पर? लेट्स गो। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? मैंने सीआईडी के शेर को ढेर कर दिया। हामिद, मेरा बदला पूरा हो गया। तुम्हें बदली की पड़ी है? दया और सचिन अब भी इस बिल्डिंग में हैं। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। दया और सचिन इसी बिल्डिंग में है? तूने एसीपी को गोली मार दी तो उन दोनों को क्यों छोड़ दिया? एक एक गोली उनके सीने में भी उतार देना। ए, जल्दी जा और ये अधूरा काम पूरा करके आओ। खाली हाथ वापस मत आना। जाओ। यस सर। भैरव, उन दोनों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एसीपी की मौत का मातम पूरी सीआईडी मनाए। अल्दू का समय हमारे पास नहीं है। ये किस्सा आज की आज और अभी खत्म होगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। पागल हो गए हो क्या? बंदूक नीचे करो। डोंट वरी माया, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग को ठंडा करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, देखोगे नहीं? विवेक, विवेक, विवेक। शायद हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया होगा। तो सर, जैसे ही वहां पहुंचेंगे उन्हें पता चलेगा कि हम लोग वहां से निकल चुके हैं और उन्हें अभिजीत सर पे शक हो जाएगा। सर, हाँ, मैं इन दोनों का काम खत्म कर देता हूँ। वैसे भी अपराधी है सर, 400 लोगों की जान के पीछे पड़े हैं लोग। नहीं पता नहीं, जाने दो उन्हें गोडाउन की तरफ, समझे? दया, तू जल्दी नहीं करनी है। माया ने देखा है अभिजीत को मुझे मारते हुए और तुम जख्मी होते हुए। वो जानते हैं कि हम दोनों काम से गए हैं और सिर्फ सचिन बचा है।
अगर वो गोडाउन गए और उन्होंने देखा कि हम दोनों भी नहीं है तो वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि मैं और दया सर आपको लेके बिल्डिंग से बाहर निकल चुके। करेक्ट। और शायद ये भी सोचेंगे कि हम लोगों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया है ना। बस पहले विवेक को ढूंढो। विवेक सिर घूम रहा है सर। वो उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया सर? मेरी जान क्यों नहीं ली? किसने? किसने? सर अभिजीत सर ने। अभिजीत ने? तुमने देखा अभिजीत को तुम्हें मारते हुए? एक्चुअली नहीं सर, ना सब जल्दी हो गया कि चोट लगने के बाद सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था सर, और बेहोश होने के पहले मैंने अभिजीत सर की आवाज सुनी। बड़ी समझदारी से काम कर रहा है अभिजीत। मतलब सर? मतलब विवेक, उन अपराधियों ने आकर तुम पर हमला किया, तुम्हारी जान लेने वाले थे, उतने में अभिजीत वहां पर आया और उसने उन्हें रोक लिया। अभिजीत सर हमारे साथ है? हाँ हमारे साथ ही है। अभी बंका है उस तरफ से। आओ अभिजीत आओ, ये रहा तुम्हारा तोहफा। तारिका, ये यहां कैसे? जहां जहां अभिजीत वहां वहां तारिका। मैं लाया हूं इसे यहां पर ताकि अभिजीत का दिमाग अगर बदले तो उसे रास्ते पर लाने के लिए। अभिजीत, अभिजीत तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बंद करो ये ड्रामा। जाने दो माया, क्यों इन जैसों के मुंह लगती हो? छोड़ो, जाने दो। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। नफरत दिखा के प्यार को बचाने की कोशिश की जा रही है। आई लाइक इट। प्यार इससे? पागल हो गए हो क्या? हा? मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अरे जब सीआईडी मेरे लिए कुछ नहीं है तो ये क्या है? मैं जानती थी इस लड़की से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब है छोड़ो ये सब, हमें जल्दी निकलना होगा। दया और सचिन किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं। दया और सचिन की चिंता तुम लोग मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। एसीबी को तो मैं गोली मार चुका हूं। वो बेचारे तो उनकी लाश को अब तक बाहर ले जाने में लगे होंगे। डॉक्टर साहब, एसीपी और दया सर को अंदर जाके बहुत देर हो चुकी सर, अभी तो कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा भी नहीं, उन सब की तो नहीं आ, पार हो चुकी होगी। चोंच बंद करके बैठो अपनी, कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ लाशें बिक जाए। माय गॉड, दया इंदारंज भी तो लिखी है। एक काम करो, साउंड के को जल्दी से फोन करके पता लगाओ क्या बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा है क्या। सर, सर अंदर से सिग्नल आ रहा है। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब। हाँ दया, तुम लोग ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें बॉम्ब मिल गया है, उसे जल्द से जल्द डिफ्यूज करना है। वो बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी आया? हाँ मेरे साथ ही है समर। हेलो सर, मैं समर बॉम्ब स्क्वाड से सर। हाँ समर एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी समर लाइन पर है। हाँ समर बोलो। सर वो बॉम्ब कैसा दिखता है? बॉम्ब को चार बैरल जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से उसमें लिक्विड एक्सप्लोसिव है। एक बात बताइए, उन ट्यूब्स में किस कलर का पानी है? समर हरे रंग का पानी है इसमें। ओह माय गॉड,
ये तो जरूर फ्लिबिलिन केमिकल है। ये तो बहुत बहुत खतरनाक होता है। इसे तो बहुत खतरनाक बम बन सकता है। इतना बताओ कि ये बम डिफ्यूज कैसे करें? ध्यान से देखिए सर। हाँ, उस मशीन के ऊपर से पीली तार जा रही होगी। हाँ, पीला तार है उधर। हाँ सर, उस पीली तार से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जुड़ा हुआ होगा और उसमें एक चिप मिलेगा। नहीं सर, ये पीले रंग की तार है लेकिन किसी भी गैजेट से जुड़ी हुई नहीं है। ये कैसे हो सकता है सर? आप प्लीज ध्यान से देखिए। नहीं सर, ऐसा कोई तार नहीं है। ये सीधे मशीन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब बॉस बॉम्ब से छेड़छाड़ की गई है। फिर उसी मशीन को देखिए, जरा ध्यान से देखिए। उसमें जरूर कोई चिप मिलेगी, मोबाइल के सिम कार्ड जैसी चिप, जिस पर लिखा होगा 0.02। नहीं समझ, यहाँ पर बहुत सारी चिप्स हैं, मगर किसी पर भी 02 नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो जरूर सर कुछ छेड़खानी की गई होगी। उसकी पूरी वायरिंग बदली गई होगी सर। ये कोई नया ही बम है सर। कस्टमर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब बताओ, और कोई दूसरा तरीका है इस बम को डिफ्यूज करने का? हाँ सर, एक तरीका है सर। क्या? ये बम पूरा रिमोट कंट्रोल्ड है सर। अगर रिमोट कंट्रोल मिल जाए ना तो ये काम हो सकता है सर। रिमोट कंट्रोल्ड है? चलो, हमें रिमोट कंट्रोल ढूंढना चाहिए। चलो जल्दी। सर, एक एक कमरा देखना तो बहुत मुश्किल होगा और खतरे से खाली भी नहीं होगा। पर उन्होंने देख लिया तो काम करते थे। अभिषेक ने जो हमें वीडियो क्लिप भेजा है उसे चेक करते हैं, शायद कमरे के बारे में कुछ पता चले। सर, ये तो कोई बड़ा कमरा जैसा कुछ है, जैसे इंटरव्यू रूम होता है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, एक पोस्टर है और वो भी कमरे की खिड़की के बिल्कुल बाहर। खिड़की के बाहर पोस्टर, देख, पोस्टर ढूंढते हैं, कमरा मिल जाएगा। हाँ, दया, वो पोस्टर इस फ्लोर से ऊपर की तरफ है और वीडियो क्लिप में पोस्टर बिल्कुल खिड़की की लाइन में। मुझे लगता है वो कमरा यहाँ से ऊपर है, तीसरे माले पे है। बिल्कुल सही है दया। चलो देखते हैं सर। चलो बचाने आए हैं। यहाँ तो सर 15-20 लोग हैं, ये बाकी के लोग आएंगे? पता नहीं सर, पर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था कि किसी दूसरे कमरे में उन लोगों को छुपा रखा है। सर, कमरे में अलग अलग कमरों में छुपा कर रखा है लोगों को। एक काम करो, सब लोग दया के साथ बाहर निकलो, बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से, गोडाउन के रास्ते से निकालो इंडिया साहब। चले, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अरे, आप लोगों की कोशिश नाकामयाब हो सकती है। क्या कह रहे?
मेरी जिंदगी और मौत का सवाल। मैं कोई चांस नहीं लूंगा। हम लोग फंसना नहीं चाहते, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तुम लोगों का दिमाग चल गया क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बहुत घबराए हुए हैं, नहीं निकलेगी यहाँ से। इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले हमें रिमोट ढूंढना नहीं चाहिए। रिमोट, लेट्स गो। विवेक, सब लोगों के साथ तुम यही रहना, हाँ, ध्यान रखो इन लोगों का। यस सर। बेकार में परेशान हो रहे हो भाई, अभी भी मामला इतना बिगड़ा नहीं है। तो हम लोग निकल सकते हैं बीबी? हाँ, निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, किसी को मालूम नहीं वो हेलीकॉप्टर है कहाँ। एक बार देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस मिल जाए तो फिर ये लोग हमें पकड़ना तो दूर हाथ तक नहीं लगा सकते। लेकिन हम हेलीकॉप्टर तक पहुंचेंगे कैसे? बाहर निकलते भून देंगे वो लोग हमें। उसका भी इलाज है, हम इन लोगों से एक जैसी एक ही कलर की 5 गाड़ियां मंगवाएंगे। एक में हम लोग बैठेंगे, बाकी 4 में हमारे आदमी। गाड़ियां बाहर निकलते अलग अलग हो जाएंगी। जब तक ये लोग पता लगाएंगे कि हम किस गाड़ी में हैं, हम तो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। कमाल का दिमाग है तेरा। फोन लगा उसे और मंगा गाड़ियां। अभिजीत, हेलो अभिजीत। सारुंके साहब, आपसे छोटा सा काम था। हमें एक ही कलर की एक ही जैसी 5 गाड़ियां चाहिए, और हाँ, उनके नंबर प्लेट पे काला कपड़ा लगवा दीजिए। और एक ही रंग की एक ही जैसी? और एक बात, हमें देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस चाहिए। क्या आप बात कर रहे हो अभिजीत? ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? हाँ, मेरी बात नहीं मानेगा? 30 मिनट का वक्त देता हूँ तुझे, 30 मिनट का। उसके बाद मैं ये रिमोट दबा दूंगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग दबा हो जाएगी। नहीं नहीं रुको, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हमारा टाइम शुरू होता है अब, समझे? मान गया। कमाल का दिमाग है तेरा। शेर की तरह दहाड़ रहा था, सारी दहाड़ निकल गई। सालों के लिए तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो कोई होशियारी नहीं कर गया। नहीं करेंगे, करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे। क्यों जीत, तूने सीपीओ को भी मार के पूरे सीआईडी की कमर तोड़ ली। तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो, तब तक मैं जो इधर के बंदर के इनको देख के आता हूँ। रहने दो, ऐसे डर के मारे उनकी हवा निकली हुई है। चलो पढ़े रहने। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जूते में कुछ है। अब ठीक है। चलो। सर जी, अभिजीत सर हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? अभी भी उनके पास क्यों है? बिल्कुल सही कर रहा है अभिजीत, इतने सारे लोगों की जाने खतरे में, अभिजीत जब उनके साथ रहेगा तो ही उनकी जाने बच सकती है। तो सर, है।
ये अंगूठी क्यों दी उसने? सर, ये अंगूठी तो तारिका ने दी थी अभिजीत को। तारिका ने? हाँ, सर ये उन्होंने जब फेंका इसे तो इशारा किया उस तरफ, उस तरफ इशारा कर रहा था तो जरूर उस तरफ कुछ तो है। दया, सर मैं और सचिन उस तरफ जाकर देखते हैं क्या है, और तुम? सर मैं इन अपराधियों के यहाँ से भागने का प्लान किया है उसके बारे में पता करता हूँ। सवाल थे ऐसा वक्त आने पे मैं सीआईडी से भी लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ मुझे। परेशान मत हो, मैं लगातार सोच रहा हूं कि अब कौन सा पैतरा आजमाऊं जिससे ये लोग हाथ मलते रह जाएं। इन सबको साथ लेके निकलेंगे तो सीआईडी वाले हम पर गोली नहीं चला पाएंगे। 200 लोगों को? हाँ। अरे नहीं, 200 लोगों को कैसे ले चलेंगे? संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनके बिना गए तो लोग हम पर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इनके साथ हैं तभी बचे हुए हैं। मैंने कहा लेके निकलो। एक काम करो, 15-20 लोगों को ले लो यहां से। हाँ ये ठीक कह रहा है। 15-20। ए, चलो चलो। क्या? एक मिनट, सुनाई नहीं पड़ रहा है? टाइम बहुत कम है, चलो लेके निकलो। जी सर। जल्दी चलो, तुम आगे चलो, मैं इन सबको लेके आता हूं। ठीक है, चल। इस बार ज्यादा शान बट्टी करने की कोशिश की। तो जानता है ना मुझे? जानता है ना? जानता है ना? चल। माया, अभिजीत के साथ निकलो, मैं एक जरूरी काम उठा गया था। अब क्या हुआ? अरे बाहर निकलने की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। तुम्हारी लाश कैसे चल रही है? पहली बार देख रहा हूं कि किसी की लाश चल रही है। ओए, अंजब, अंजब, नीचे जमीन में फटाफट फेंको। ये अंजब, जल्दी। ओए, कोई होशियारी नहीं है, खोपड़ी खोल के रख दूंगा। एक बात ध्यान में रखना, आज तक कोई भी हमारे हाथों से बचा नहीं। तभी तो हाथ बांध दिया। मुझे अभिजीत से बदला लेना है। धोखा दिया उसने हमें, उसका मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्या करोगे तुम? वो तो कह रहा था कि उसका तारीका से कुछ लेना देना नहीं है। चुप। उसे ऐसी हालत में देखेगा तो क्या होगा? उसे देखना है मुझे। चल चल भाई। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। चल। अगर तारिका को इसने कुछ भी किया ना तो इसे तो मैं जिंदा काट दूंगा, जिंदा। चलो है।
अभिजीत, दाढ़ियों का इंतजाम हो गया है और देश छोड़ने की आजादी भी। वरुण और बॉर्जेलो, उन दोनों को लेके आइए, वो दोनों चाहिए हमें। रेडी, लेके आओ। चलो। ए, एक खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? हाथ खोल, हाथ खोल। अरे खोलना जल्दी। बहुत दिनों बाद खुली हवा मिली है। खोल। कितनी अच्छी बहन हो, आखिर तुमने हम लोगों को बचा ही लिया। माया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब जल्दी से यहां से निकल चलते हैं। मगर अभय कहाँ है? अभय अंदर ही है। अंदर ही? वो अंदर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इन सीआईडी वालों पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। मैं अभय को देख के आता हूँ। ठीक है, जाओ। अभय, अभय, तब मुझे लगा तुम्हें इसकी चिंता होगी, तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। इसकी चिंता मुझे क्यों होगी? हैं? इसको छोड़ो, चलो यहां से, समझे? साना बनता है, तुझे इसकी चिंता नहीं है? तोड़ा दो उसे, उड़ा दो। देखो, अब इसको छोड़ो, चलो। एसीपी। हाँ, एसीपी प्रत्युमन। कहा था ना मैं, आज तक कोई बचा नहीं है इन हाथों से। भागता कहाँ है? कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। ओए, पूरी बिल्डिंग उड़ा के रख दूंगा। अबे नहीं, आगे नहीं आना कोई। ओए, रुक। पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। हाँ, कोई आगे नहीं बढ़ना। हाँ, कर नीचे। हाँ, हट, कोई नहीं। आया, आया, चलो यहाँ से, चलो। पर अभिजीत, अभिजीत ने मैं धोखा दिया है। क्या? वो तो हमारा आदमी था। वो सीआईडी का आदमी है और सीआईडी वाले कभी किसी के नहीं हो सकते। वो हमारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं रोक सके वो। नहीं, मैं नहीं मानती। एसीपी जिंदा है वो। ओए, रुक जाओ वहीं पे। बात भेजे में गुस्ती नहीं है क्या? बोला ना एक बार, पीछे नहीं आना। सबको उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा सबको। ये क्या कर रहे हैं सर आप? हम लोगों की जान मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? सीआईडी वाला विवेक हमारे कपड़े पहन के हमें बेवकूफ बना रहा था। चलो अच्छा है, एक सीआईडी वाला हमें चाहिए था, जरूरी है। तू भी हमारे साथ चला जा। माया, तूने हमारी जान बचाई है, तू भी चल। रुक जा, विवेक को लेके जाके कुछ फायदा नहीं। धोखा भी जितने दी है उसे उठा लो। तोड़ा लेते ना इसे फिर। नहीं, एक मैं चलने के लिए तैयार हूं। हेलीकॉप्टर कहाँ है? उसे मैं ही जानता हूं। ठीक है आया। एसीपी कोई चलाकी नहीं है तो मेरे पास है, कोई चलाकी नहीं इस बार। विवेक,
अब एक हाथ में रिमोट है सर, बाहर निकलते ही वो बटन दबा देगा। नहीं विवेक, जब तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता वो ब्लास्ट नहीं करेगा। बस हमको बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबको बचाना चाहिए, जल्दी लेट्स गो। एक मिनट, वो बॉम्ब तो नकली है, सिर्फ दिखाने के लिए डराने के लिए लगाया गया था। कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग को और कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको। अब है जाओ सबके सब। सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटा दो। सुनो, सभी के डैशबोर्ड में एक मैप है, बाहर निकलो जल्दी। जिसके मैप पर जो जो रास्ता बना है वही रास्ता पकड़ के चलते रहो सीधा, और हाँ गाड़ी एक एक करके निकालना। हाँ भाई। हाँ अबे, तुम्हें क्या लगता है सीआईडी वाले हमारा पीछा कर रहे होंगे? पीछा कर रहे होंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दो मिनट में सारी गाड़ियां अलग अलग रास्तों में निकल जाएंगी, किसके पीछे जाएं किसके पीछे नहीं जाएं सीआईडी वालों का दिमाग खराब हो जाएगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बाद। और सीआईडी वालों को जब तक हमारी गाड़ियों का पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर हो चुके होंगे। बहुत से अब है, ये अभिजीत का क्या करना है? अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, उड़ा देते हैं इसे। उड़ा दो। से ले लो। कहाँ है हेलीकॉप्टर? अबे हेलीकॉप्टर कहाँ है? यही तो बोला था। तूने कहा था हमारे पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर यहां होगा, कहां है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर में बैठोगे? तुम लोग क्या समझ रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठ के सरहद से पार चले जाओगे इतनी आसानी से? हैं? तुम लोगों को यहां लाने का मकसद था 400 लोगों की जिंदगी बचाने का। अब तक तो वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके होंगे। छोड़ दो बम, छोड़ो। धोखा माया, मैंने कहा था ना सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं मान रही थी। लो माया, इसे उड़ा दो। सर, सर बोलो फंडोरा हेलीपैड पे, अभी ही आ चाहिए सर। जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरनाक है। माया उड़ाओ इसे। बहना ज्यादा मत सोच, गोली चला चला गोली उसको। माया खत्म कर दे इसे। इसकी इतनी हिम्मत, माय गॉड, एसीपी सर के आने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। गोली चला बहना। माया सोच मत, गोली चलाओ। सचिन,
सचिन, सचिन तुम? हाँ सचिन, हमारी गाड़ी में हमारा ही ड्राइवर बनकर आया था। सचिन तबाश कुणाल, सही क्या तुम? सही समय पे तुमने इसे सुना दिया। तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था हैं? तुम्हें क्या लगता है पैंतरा सिर्फ तुम ही खेल सकते हो, हम नहीं खेल सकते? हमने भी अपना आदमी तुम्हारे साथ फिट कर रखा था ताकि तुम्हारी सारी खबरें हमें मिलती रहे। अब डिसाइड कर लो कि किसे मरना है पहले, तुम्हें या पहले तुम मरोगे। अभिजीत हम आ गए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अगर हिला तो खोपड़ी में इतने छेद बनाऊंगा कि सीटियां बजने लगेगी, समझे? क्यों किया दीदी? नहीं माया, नहीं मुझे मेरी गलती की सजा, मुझे एहसास हो गया। नहीं दीदी भैया, मैं अभिजीत को चाहने लगी थी, मेरी गलती की सजा उसे कैसे देती? उसके साथ प्यारे थे मुझे। दीदी नहीं, माँ दीदी अभय आज तक सीआईडी से कोई बच नहीं सका, समझे? कोई भी बच नहीं सका। और वरुण, तुम्हें क्या लगा फांसी होने से बच जाओगे? अब तो तुम्हें फांसी होकर ही रहेगी, समझे? ले चलो इन दोनों को। थैंक यू सर। आप लोग सच में भगवान, क्या क्या नहीं किया आपने हमें बचाने के लिए। थैंक यू सर, ये तो हमारा फर्ज था। गुड लक। अमर, ये बॉम्ब नकली है। मैं तब से दिमाग लड़ा रहा था सर कि बिना चीज के ये बम कैसे उड़ने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें ये जो लिक्विड है वो डेंजरस हो सकता है, इसे ठीक जगह डिस्पोज कर देना। यस सर। चल चलो। बस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अहम केस था। 400 लोगों की जिंदगी का सवाल था। मुझे तो लगा था कि निकल गया वो आदमी, लेकिन क्या बात है, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, बस पकड़ ही लिया। नहीं सड़ों की, पूरी टीम ने कमाल काम कर दिया।
और तूने भी क्या कम काम नहीं किया? पार्टी तो बनती है हा? पार्टी बनती है पार्टी हाँ बनती है चलो चलो नहीं सर अब क्या बात है अभिजीत यार तुम कहीं उन भयानक सपनों को लेकर तो परेशान नहीं हो जी हाँ सर मैंने सपने में अपने आप को किसी की जान लेते हुए देखा है सर और याददाश्त जाने की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि वो आदमी है कौन अभिजीत वो तो एक सपना था नहीं सर प्लीज मैं भले ही इन लोगों के साथ नहीं मिला था पर मैंने एक बेगुनाह की जान ली है सर अरे सर मैं बार बार यही देखता हूं कि मैंने किसी की जान ली है मैं खुद एक गुनहगार हूं सर मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूं सर अब मुझे माफ कर दीजिए सर मैं वापस नहीं आ सकता सर रात को कौन आया दरवाजा खुला है अंदर आ जा तुम तो मर चुके हो ना कौन हो तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम मर चुके हो तुम नहीं अभिजीत दिलीप जिंदा सर मैंने इसे अपने हाथों से मारा है सर मैंने आप लोग इसे देख सकते हैं सर क्योंकि ये मरा ही नहीं अभिजीत सिर्फ तुम ही नहीं हम सब इसे देख सकते हैं सर मैं जिंदा हूं अभिजीत ये कैसे हो सकता है अभिजीत तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी उस वक्त की कुछ बातें अभी तुम्हें याद आने लगी है वो बातें तुम्हारे सपनों में घुस गई और सपनों में तुम अपने आप को दिलीप का खून करते हुए देख रहे हो हाँ ये सच है सर पर ये जिंदा कैसे है क्योंकि अभिजीत दिलीप को तुमने कभी मारा ही नहीं सर वो सब क्या है जो मुझे दिखाई देता है सर कि मैंने इसका खून किया है अभिजीत सीआईडी में आने से पहले तुम एक पुलिस ऑफिसर थे एक गुंडे को पकड़ने के लिए तुम और दिलीप गए थे अपना भेष बदलकर उस वक्त तुम्हें दिलीप का खून करने का नाटक करना पड़ा था नाटक हाँ अभिजीत सर ठीक कह रहे हैं और तुम सारी बातें भूल गए और तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रहा कि तुमने इनको गोली मार दी तो मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है बिल्कुल देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूं माय गॉड मैं ये सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि मैंने एक बेकसूर की जान ली है सर आपने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया सर
थैंक यू वेरी मच। अब ये किस्सा खत्म हो गया, समझे? अब चलें सीआईडी वापस। सर प्लीज। अरे यार दया, वो इस दौरान मैंने तुमको बहुत भला बुरा कहा यार, मुझे माफ कर दे यार। और वो क्रेन का इतना भारी हुक मैंने तुम्हारे ऊपर गिरा दिया, सॉरी यार। अभिजीत तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त के लिए सब कुछ माफ। चलो। सर मुझे मालूम था सर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए अभिजीत सर कभी बदल नहीं सकते सर। सर आइए सीआईडी आपका इंतजार करिए सर। आई एम रेडी। सीआईडी के बगैर तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकते। हो गया अब चले सर। क्या है? अब तो पार्टी जरूर बनती है सर।